मैं गिरा और मेरे गले से आज टक की आवाज आई मैं वहीं पड़ा रहा मुझे लगा कि मेरा नेक गया अगर आप पे बायोपिक होती तो 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 किस एक्टर देखना चाहेंगे अपने रोल में अभी तो में। <laughs> अभी जिंदा तो मैं मैं ही कर सकता <laughs> 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 इंडस्ट्री में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है मेरे इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते मैं पैदा ही नहीं होता मेरे बराबर शायद कोई मेहनत करता होगा मुझसे ज्यादा नहीं कर सकता है बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात बोली हाई एवरीबडी माई नेमताक्षमा श्रीवास्तव दैट ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी मेरे शो पे आज मनोज वाजपेयी जी हैं उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत और बहुत प्यार है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आपके साथ आ जा बैठी हूँ सो थैंक यू फॉर द टाइम थोड़ा सा actions uh, in his life or not. And I have not uh, been a you I'm not known as an action act you know action actor. Or director Jo stubborn a master vision a legend And he didn't want to use any dupe for me. So that made my life all the more uh, डिफिकल्ट एंड डेंजरस या आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे कोई ऐसी मेजर चोट नहीं लगी एंड मुझे हमेशा लगता था होटल से निकलते हुए कि शायद आज चोट लगेगी क्योंकि क्योंकि हर दिन जो एक्शन था बहुत ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हुआ करता था आई वुड से आई विल थैंक गॉड एंड माई माई गुरुज फॉर रियली प्रोटेक्टिंग मी एंड आई डॉट दी ओनली इंजरी दैट आई इन माई लेफ्ट नी दैट इज स्टिल हीलिंग दिस नॉट कम्प्लीटली हील्डअप सो यस जो uh, एक बार एक ऐसा हुआ कि वो दो दो दिन तक एक एक्शन का रिहर्सल कराया उन्होंने पूरे एक्शन पीस और रिहर्सल में भी उनको हंड्रेड परसेंट चाहिए मास्टर विजन को उसमें उस, uh, उस समय तो मुझे कुछ नहीं लगा जब मैं होटल में गया नेक्स्ट डे उठा तो मेरे नी में स्वेलिंग था एंड दैट वॉज द शूट डे फिर मैंने उनको बोला कि सर इस इम्पॉसिबल अब मैं तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या तो हमको ब्रेक लेना पड़ेगा या फिर हैव टू चेंज द होल एक्शन सीन उन्होंने कहा ठीक है मुझे सोचने दीजिए देन ही केम बैक उन्होंने कहा कि मैंने चेंज कर दिया लेकिन जब मैंने जाके देखा तो उन्होंने ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया था एक आध <laughs> कोई यू नो किक वगैरह हटाया था उन्होंने <laughs> ताकि मेरे नीह पे ज़्यादा प्रेशर ना आए तो एवरी डे शूटिंग पे मेकअप करने के बाद स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं अपने नी पे बैंडेज बांधता था जो रैप करके टेप बैंडेज हाँ और उसके बाद उसके नीचे जो है वो फिजियोथेरेपी का टेप लगता था फिर उसके ऊपर से बैंडेज फिर उसके ऊपर से नी कैप इतनी सारी चीज़ें करके मैं सारे एक्शन करता था नी को थोड़ा सा नी ऐप को ऊपर करके ताकि मुझे और डॉक्टर ने कहा था कि ये तो आप बिल्कुल मत करना लेकिन मेरे पास कोई ज़्यादा चार मैं या तो मैं शूटिंग ख़त्म करूँ या मैं वो सारे प्रिकॉशन लूँ और मैं आराम करूँ मेरे पास शूटिंग हमको कर ख़त्म करनी थी नहीं तो बजट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता बिना किसी एक, एक भी दिन के कैंसिलेशन के हमने सारा अचीव किया विद ऑल दो टेप्स गेटिंग uh, अराउंड जब मैं लंच में वापस आता था और तो मेरे मेरे पूरी टांग इतनी बड़ी हुई रहती थी बिकॉज़ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता था वहाँ पे इतना टाइट टाइट बांधने के बाद एक शॉट था कि मुझे ऊपर चढ़ना है ऊपर से चढ़ के जंप करना है और फिर टर्न बैक करके शूट करना था आई लिटरली वेंट इन टू दर आई टर्न बैक एंड आई शॉर्ट और मैं गिरा और मेरे गले से टक की आवाज़ आई और मुझे मैं वहीं पड़ा रहा मुझे लगा कि मेरा नेक गया एंड uh, लोग आए मुझे उठा के बाहर ले गए लकड़ी जो है उसने जब हाथ लगाया जब फिजियोथेरेपिस्ट ने डॉक्टर ने तो उसने कहा यहाँ दर्द हो रहा है मैंने कहा नहीं हो रहा है तो कहता सर नेक बच गया बिकॉज <laughs> हमको भी लगा कि आपका नेक चला गया सो so, आवाज़ इतनी तेज थी हंड्रेड फिल्म के लिए पूरी जस्टिस की आपने बॉडी सेक्रीफाइस की नेक नेकनी पेन इज इज रियली बैड या बट द नेक नेक पेन is now now gone I mean uh, gone. yeah अब uh, uh, तो कुछ बहुत time हो गया है लेकिन आ uh, कि, कितनी बार तो चला जाता था फिर अचानक से कभी सुबह उठता था इट रिलैप्स हाँ फिर रिलैप्स होता था हा, तो हाँ फॉर अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया तो, really so, uh, तो आप बहुत लकी हैं बिकॉज़ नेक एंड नीज रियली बेड यू कैन't फंक्शन सो हेड्स ऑफ़ फ

क्टर के लिए ये सब कुछ है दिस इज इज लास्ट फिल्म तब मैं करता हूँ क्योंकि वो अग, आपके दिमाग में अगर वो नहीं है कि दिस इज़ माई लास्ट फिल्म एंड आफ्टर दिस आई विल नेवर गेट अ चांस टू मेक अ फिल्म वो उस एटीट्यूड से अगर आप अपना काम करते हैं hmm. तो आप उसमें अपना सब कुछ दे देते हैं सब कुछ दांव पे लगाते हैं तो मुझे अच्छी स्क्रिप्ट अच्छा रोल के अलावा अब मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि डायरेक्टर कितना पैशनेट है अदरवाइज आई डोंट हैव

And I uh, must tell you that in, on weekend itself, it has clocked 100 million views. That is amazing. <laughs> Congratulations! So 100 million minutes views watch. I mean, it's uh, it's amazing the way people have been showing love to my films. And uh, I've just been talking to Z5 people, and they told me that Silence One and Silence Two, you know, these two together, they have already crossed 1 billion minutes minutes views. Mm. So. Uh, and uh, Banda has already, alone, yeah. yes. has gone beyond one billion minutes watch. Yes. So, uh, my Aligarh is there, which is one of the most acclaimed film of my career. Suraj Pe Mangal Bahari, a, a comedy which is very close to my heart. Somewhere, I have, have been doing something right. You of know? course. And that something right is nothing but uh, just going by your conviction, giving it all and own it up.

Very important. <laughs> you know, there is no dearth of patience in me. Okay. Yeah, there is no dearth. I mean, something I can wait for zillion years for that one script. Second, I think is that I'm uh, I'm not uh, that person who will sit down and bask in the past glory. I move on. Uh, okay. Not that I forgot all my work. Yeah. Uh, I look at them with lot of uh, compassion. Mm -hmm. My shoulder is very light. I don't carry my past work on my shoulder. Always, it's very light. It's uh, if someone asks, somebody, many people ask me. You know, you do so many content films, and then now, brother, is such a commercial mainstream film. Why have you done it? Why have you I, done it? Yeah. So I said, uh, why not? I mean, uh -huh. yeah. there is an audience there, yeah. and they have been asking me. Uh, uh, to and to to do a certain kind of films, my father would have been very happy because he always wanted me to be part of hardcore commercial mainstream films, and I always refused to be part of them. Really? I think, yeah. So, uh, Bhayya is that kind of a genre which I have not been part of uh, mostly. Mm -hmm. But if I'm doing Banda or Gulmohar or Aligarh, people will say, okay, this is Manoj Bajpayee film. Mm. But if I'm doing Bhayya uh, or Silence, they would say. अरे ये तो की से बिल्कुल अलग है मोर रीजन फॉर मी देर इज इज एन ऑडियंस इन माई विलेज आई नो वन दैट दे वॉच साइलेंस एंड दे वॉच भैया जी इन दैट थ्री टीयर दे फील वेरी प्राउड ऑफ मीट देट यू नो दिस इज आर गाई एंड रियली एंटरटेनिंग एंटरटेनिंग सो मच अर पैशन So, I, I, I always wanted to reach out to them, and this is my way of reaching out to them. How nice. I like how you you talk with a passion of giving. That is very. We have to do a small segment where I'm going to ask you five questions. Mm -hmm. We just want to know what you feel about that. It's like a rapid fire, but okay. not a silly one. If you have a biopic, ban rahi hoti?

अनएक्सपेक्टेड अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते मैं पैदा ही नहीं हुआ होता हाँ really? भगवान जो है हर किसी को किसी खास मटलिस्टिकपज uh, के लिए भेजता है और uh, मुझे इस परपज के लिए भेजा गया था यू नो वाई बिकॉज अब मैं जहाँ से आता हूँ मैं आपको अगर ले चलूँ एक बार मैं अपने दोस्त को लेके गया था बॉम्बे से बहुत साल पहले तो जब हम पहुँच गए और पहुँचने के बाद दो दिन की जर्नी करके पहुंचे और रात को पहुंचे ही कुड नॉट सी एनी थिंग बियॉन्ड आर हाउस और वो भी उस समय लालटेन जलती थी बिजली नहीं था उस समय पे सुबह उठा आंगन में गया वहाँ पे चापाकल था वहाँ से उसने एक गिलास पानी पिया फिर उसने कहा कि मनोज एक बात पूछना चाहता हूँ तो उससे मैंने क्या पूछना चाहता है ये बता ये गांव तो छोड़ दे तू यहाँ से पटना भी कैसे पहुँचा सो सो जब मैं ऐसी जगह से आता हूँ जो से जिस समय मैं बड़ा हो रहा था वो सिविलाइजेशन से बिल्कुल परे था बिल्कुल वहाँ पर एक कभी कभी कोई एक बस शुरू होती थी वो भी बंद हो जाती थी फिर हमको जो है किसी से किसी ट्रैक्टर वाले से लिफ्ट ले करके पास के छोटे से शहर में आना पड़ता था फिर उस वहाँ से बस ले के बस के लिए वेट कीजिए आप पहुँचें सुबह दस बजे वो बस जाएगी ढाई तीन बजे दोपहर में भी वो डिस्ट्रिक्ट टाउन लेके जाएगी फिर डिस्ट्रिक्ट टाउन पहुँचे तब तक रात हो गई फिर अपने किसी दोस्त के घर सो जाइए फिर अगले दिन उठिए फिर आप जो है मुजफ्फरपुर के लिए दूसरी बस लीजिए फिर मुजफ्फरपुर पहुँचे तब तक जो है पाँच बज चुके हैं अब पटना जाना है ट्रेन लेने के लिए इस टेकिंग चांस पटना उस समय पाँच घंटे चार घंटे में पहुंचती थी बस मुजफ्फरनगर मुजफ्फरपुर से फिर मैं अपनी बुआ के घर पे जाकर सो जाता था फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर मैं पटना जाता था फिर पटना पहुंच के आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं क्योंकि जब तक आप पहुंचे हैं उस समय से लेकर के अब जब ट्रेन जो दिल्ली की जाएगी उसमें गैप है करीब पाँच घंटे का तो बीच में कभी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं कभी आप बाहर घूमने चले गए फिर ट्रेन आई ट्रेन में आप बैठे रिजर्वेशन है तो आपको सोने की जगह मिलेगी नहीं रिजर्वेशन है तो टीटी टी, -टी कब का, का पीछा करते रहिए कि भाई कोई बर्थ दे दो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो फिर आप दिल्ली पहुँचते थे जहाँ मैंने जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन और थिएटर किया था फिर दिल्ली में आप इतने साल थिएटर करने ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत साल के बाद आप दिल्ली से बॉम्बे आते हो और बॉम्बे अनदर ट्वेल्व आवर्स राइट पश्चिम एक्सप्रेस से आते जाते थे हम लोग बिल्कुल राजधानी के लिए पैसे नहीं थे ऐसे करके तो जब इतनी दूर से आप आए और वहाँ पर उस गांव में नेपाल बॉर्डर के पास एक किसान के घर में एक लड़का पैदा होता है जो इतनी बड़ी जर्नी पे जाने के लिए तैयार है और ज़िद्दी है और यहाँ तक पहुँच जाता है और मैं आज आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ आई फील सरप्राइज विद माई ओन लाइफ एट टाइम्स Sometimes I feel it's a miracle. It's a miracle that I could take that journey. It's a miracle that I could reach Delhi and then to Bombay. It's a miracle that I have survived in this industry for 30 odd years. It's a miracle that I'm getting choices in this industry. Yeah, it's something. It's also hard work. A lot of hard work. I mean, yes, God has given me that kind of a capacity. Yeah. That uh, I always say that. मेरे बराबर शायद कोई मेहनत करता होगा मुझसे ज़्यादा नहीं कर सकता है <laughs> बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात बोली आपने उसमें बहुत खुद खोना पड़ता है आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है वट आई सेक्रीफाइस इज माई माई टाइम विद माई पेरेंट्स एंड उस समय से लेकर के जब तक वो गुजरे तब तक मैं कह सकता हूँ कि आई सेक्रीफाइस यू नो all my time with them before I could realize they died. So, uh, it was always there in my mind. But I said, no, yaar. Uh, I can't get vulnerable. It will be an obstacle for me. you know. With, because if you want to go on a journey pe jana hai, usko jo hai accomplish karna hai, then you should be ready to sacrifice a lot. A lot of things which is very dear to you. Very dear. Even my time with my daughter today, I, I sacrifice it. I don't like it, but I don't have any other option. I have to get out. I have to get out and do my job, you know, and do justice to all that I have lost. Right? Yeah. I hope she understands. She understands. That's nice. <laughs> That's important. <laughs>

which are very close to your heart very sensitive things I think people I should it. know what I what they know I, I talk because A. it is my job and I have to do it well that you do one. it it's and, not you do it fabulously <laughs> and secondly uh, I keep it unfiltered because there is nothing to hide yeah okay and there is a journey and I personally feel that uh, this industry will, will prosper and flourish if uh, it, it will flourish only through the through the com coming of all the outsiders here because they get so much of experience mm -hmm. their journey itself will enrich the industry and the content beautiful